यह मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। इन्हें बच्चों के एक स्कूल में आमंत्रित किया जाता है। अब इन मंत्री को पहले से पता नहीं था कि वहां उन्हें भाजपा सरकार का ही स्लोगन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। बेटी भी सही नहीं लिखा है। आप ही बताइए कि ये महिला बाल विकास मंत्रालय कैसे चला सकती हैं जो पार्टी का नारा ही सही नहीं लिख पा रही हैं। यदि इन्हें पहले से बता दिया जाता तो शायद ये कुछ प्रैक्टिस कर आ जाती। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की मंत्री का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को अपनी ही सरकार के स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने में खासी मेहनत करनी पड़ रही है, और आखिरकार वो कुछ ऐसा लिख बैठती हैं जो पढ़ने वालों को समझ ही नहीं आएगा। जरा आप भी देखिए ये वीडियो। इस वीडियो के सामने आने के बाद मोदी सरकार की मंत्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इन शिक्षा मंत्री के राज में पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं। मंत्री क्या कर रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। विदेश मंत्री से चीन है जो डर ही नहीं रहा है। अब मोदी जी को ही ले लीजिए तो क्या महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल हो रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।